वेलकम टू माय चैनल, वी आर अस डाइवर्जेंट। वेलकम टू द गेम जिसका नाम है बेंडी एंड द इंक मशीन। बहुत ज़्यादा हो गया था वॉल्यूम गेम का, तो बेंडी एंड द इंक मशीन में खेलने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर वन खेला था, सो मैं आज चैप्टर टू खेलने जा रहा हूँ। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खेल। चैप्टर टू द ओल्ड सॉन्ग। जैसा कि चैप्टर वन में हमने देखा था कि लास्ट में हमें कोई आके पीछे से वार कर देता है और हम गिर जाते हैं, तो आज चैप्टर टू में वही से कंटिन्यू हो रहा है। आज नहीं, बहुत पहले हो चुका, मैं आज खेल रहा हूँ, तो आज चैप्टर टू में कंटिन्यू होने वाला है मेरी तरफ से। सो हमें शुरू करना है यहाँ की जर्नी, निकलना है यहाँ से। See if I can find a way out. Find a new exit tip है, and X may come in handy. Where is X, buddy? Oh, here we go. So, ये रहा मेरा बाहुबली का तलवार एक्स, और कूल होने वाला है जर्नी। यहाँ से रास्ता है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं लीकेज है इंक का, जो बहुत ही बैड है। ठीक कराना बनता है भाई, ठीक कराना बनता है, पर ठीक नहीं कराएंगे लोग, मुझे पता है, क्योंकि गेम है तो चलते ही रहना है भाई। तो यहाँ से रास्ता है, और ये तोड़ा हमने, और एक और तोड़ा, एंड हियर वी गो, द डोर इज ओपन। यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, ये बहुत पुराना जगह है, सब कुछ गिर रहा है धीरे धीरे। ये क्या है? यूटिलिटी शेफ्ट 9। आगे है ही विल सेट अस फ्री। बेंडी साथ में, हैप्पी बेंडी, काफी क्यूट बेंडी है जो घोस्ट वाला है, पर क्यूट घोस्ट है, इसको बोलते हैं क्यूट भूत, कूल मैन। बेकन सूप, ये इसमें कोई हेल्थ नहीं है आपका, जो भी होता है बेकन सूप होता है, और बेकन सूप ही आपका जो होता है रिकवर करने में मदद करता है। सो यहाँ पर अभी तक मुझे कोई विलन मिला भी नहीं मारने वाला, सो ग्रेट होने वाला है इस बेकन सूप को अकेले में लेके किसी को कुछ करना नहीं है, सिर्फ बेकन सूप लेना है। और ये सुनना है मेरे रेडियो सुनने का, सॉरी वॉइस रिकॉर्डर है, वॉइस ऑफ सेमी लॉरेंस। वो काफ़ी अच्छी पोयम थी, पोयम मतलब पोयम नहीं थी, कुछ अच्छी अच्छे से बातें थे जो अच्छी लिखी थी, कूल मैन। जैसे कि यहाँ पर एक और सर्कल है, ये सर्कल मुझे वहाँ पर ही मिला था जहाँ मैं था, और वहीं से मैं उठाऊँ, चैप्टर वन में वहीं गिरा था मैं, और आज वहीं से मैं उठाऊँ। ट्रेन ट्रबल, बेंडी कूल। वैसे डिज्नी की मूवी में दिखाता है फर्स्ट में वो, पर मिकी माउस रहता है इस पर, मिकी माउस जैसा ही बेंडी दिखने में, इक्वल है, सिमिलैरिटी है भाई। वो मेरे सामने बेंडी है रे भाई, हैप्पी बेंडी, हंसता खेलता बेंडी, और मैं इसको बर्बाद करने का, जस्ट लाइक दैट, बर्बाद कर दिया भाई मुझसे पंगा नहीं लेगा बेंडी, मुझे पता है। वो सो मच इंक 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 इंक, ये पूरा जगह बिखरा हुआ है, क्योंकि ये पुरानी है, वो बिखरा होना ही है। कहाँ जा रहा है वो? मतलब कोई है बंदा जो मैं से हेल्प मांग सकता हूँ? काफी गोस्ट जैसा दिखने में था, और वो टेलीपोर्ट हो गया। क्या वो टेलीपोर्ट कहाँ हुआ मुझे भी नहीं पता, पर वो गायब हो गया एकदम, मतलब वो भी गोस्ट था। बेंडी यहाँ पर नहीं आने का, तेरे को तोड़ देने का ऐसे। यहाँ पर बहुत सारे बेकन सूप है, ये रहा, आओ, टेस्टी 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 टेस्टी, और है और मांगता है क्या? नहीं, यहाँ पर ऊपर है, टेस्टी टेस्टी टेस्टी। द डांसिंग डीमन, जिसका सर नहीं है, बेंडी इन द डांसिंग डीमन। लगता है कि यहाँ पर बेंडी के बहुत, बेंडी के नाम पर बहुत सारे गाने या मूवीज बनी है। Need to get power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. यहाँ पर ब्लॉक है, रीडायरेक्ट पावर टू द गेट टिप, फाइंड 3 switches. 3 lights, 3 switches. So, देखते हैं कहाँ हमें देखा। मैंने बेंडी को अभी बर्बाद किया, ये वापस एकदम रीजनरेट हो गया, जैसे कि मैं इसको वापस बर्बाद करने वाला हूँ। बेंडी तूने अच्छा नहीं किया, ये ले, सही खेल गया।
सो हमें थ्री स्विचेस ढूंढने हैं. सो लेट्स सी हमें कहाँ मिलता है. और ये बेंडी है, मैंने चैप्टर वन खेला था जिसमें पजल जो थे एकदम कहाँ कहाँ छुपाए गए थे. मेरा तो सर घूम गया था फर्स्ट टाइम कि मुझे मिल नहीं रहा था कि पजल कहाँ है. तो मुझे यहाँ पर भी रीजेनरेट हो गया बेंडी. पजल मतलब ऐसी जगह छुपाया जाता आपको, आप उम्मीद नहीं कर सकती वहाँ पर छुपाया गया. तो मुझे अपनी आँखें और कान खुली रखनी है, कहीं भी हो सकता है. स्विच यहाँ पर नहीं है वो स्विच. थ्री स्विच ढूंढने हमें जल्द से जल्द. यहाँ पर बेंजो है, बेंजो बजता है. वो रिदम बज रहा है. ना 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 ना. He will set us free. बेंडी हमें set us free करेगा. नहीं पता नहीं किसको बोला यहाँ पर, ही पता नहीं किसको बोला गया है. He will set us free. I don't know किसको बोला गया है. So हमें स्विच से मतलब है, इनसे मतलब नहीं है. Switch. Where is the switch? Switch मंगता. Switch. और यहाँ पर एक स्विच मिल गया मुझे. वो मेरी आँखें मस्त है. तो ये गया पहला स्विच. सेकेंड स्विच यहाँ पर तो ध्यान से देख लें, कोने में भी हो सकता है. कोने में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है. तो हम आगे बढ़ते हैं. शायद यहाँ कहीं कोने में, दीवार में, हर जगह देखनी है आपको. चेयर के नीचे शायद, या लकड़ी के पीछे, नहीं कहीं भी हो सकता है. कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये बैंडी एंड द इंग मशीन है. कहीं अरे रीजेनरेट हो जाता है, ये काफ़ी डरा देता है. मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था अभी, मैं काफ़ी ओ हो गया था, कैसे रीजेनरेट हो गया भाई. एक और स्विच मिल गया हमें, ये रहा सेकंड स्विच. और लास्ट स्विच बाकी है जो हमें ढूंढना है. इस रूम में मैंने ध्यान से देखा नहीं है, तो मुझे ध्यान से एक्सप्लोर कर लेना चाहिए इस रूम में क्या हो सकता है क्या नहीं. एक स्विच बाकी है, एक ही ब्लिंक हो रहा है. तो इस रूम में तो नहीं है बड़ा, नहीं है इस रूम में. तो हमें आगे फिर देखना चाहिए. स्विच नो स्विच. तोड़ देने का, ओ हियर वी गो. मैंने सही किया, तोड़ दिया इसे. और जैसे कि उम्मीद नहीं कर सकता है कोई, इन्होंने ऐसी जगह रखा है इसका स्विच, एक लकड़ी के नीचे, मतलब एक लकड़ी के पीस के नीचे, कार्डबोर्ड जैसा कुछ था उसके पीस के नीचे. और वो कैसे ढूंढ सकता, अगर कोई नहीं तोड़ता तो कैसे ढूंढता कोई बंदा. सो ये थोड़ा सा अलग ही थिंकिंग करनी पड़ती है हमें. नाइस, ये आपका सोचने की क्षमता बढ़ाता है ये गेम. सो कूल है मैन. तो हमने तीन स्विच दबा दिया है और हमें इस गियर को नीचे करना है. सो इट्स ओपनिंग एंड देयर वी गो. वो किसने लाइट जलाया, किसकी आवाज थी वो, कौन था भाई. कोई बात नहीं, अभी तो नहीं आ रही. न्यू ऑब्जेक्टिव, फाइंड अ न्यू एग्जिट. ये तोड़ा, ये गया और ये गया. बेंडी इन शिप शॉन्ग्स विद बोरिस द वुल्फ. वो मैन, कूल मैन. बेंडी बहुत फेमस है. लिटिल डेविल डार्लिन. बेंडी इन लिटिल डेविल डार्लिन. वो बेंडी, व्हाट्स अप मैन, नाइस टू मीट यू मैन. ले पर नहीं, अच्छा नहीं लगा मुझे मिलके. सो यहाँ पर एक रास्ता है और आगे दो रास्ते हैं. मैं नजदीक नजदीक पहुंच गया तो मुझे शायद ऊपर ही जाना चाहिए. और ये looks like the stairwell is flooded. If I'm gonna get out of here, I'll need to find a way to drain it. और साइड में एक पावर का स्विच है. ओके, लेट्स टर्न इट ऑन. ड्रेन द स्टेयरवेल करना हमारा नया ऑब्जेक्टिव. और लाइट आ चुका है और मजा आने वाला है. वो वेट, वो 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 पेंडिंग इंक मॉन्स्टर. ये इंक मॉन्स्टर है. वो इंक डेविल, ले ये तेरी. हमने बर्बाद कर दिया एंग मॉन्स्टर को. और वहां पर एक दरवाजा ओपन हो चुका है और साथ में एक कूल सॉन्ग ही बच रहा है मिकी माउस जमाने का. वैसे काफी यहाँ पर अजीब अजीब एंग मॉन्स्टर है. म्यूजिक अब मुझे समझ आ रहा है. जॉय जियो स्टूडियोज म्यूजिक डिपार्टमेंट, डायरेक्टेड बाय सैमी लॉरेंस. मुझे देख रहा है जो हंस के देख रहा है. ऐसे बहुत सारे सीन्स है चैप्टर वन में जिसमें आपको बेंडी दिख रहा होता है. एक जगह तो बेंडी अचानक आ जाता है. ओ बहुत खतरनाक. मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं बहुत चकित रह गया था, हैरान हो गया था. वो हैरान तो नहीं, डर गया था मैं. यहाँ पर वायलिन है और ये वही जगह है शायद. हाँ, यहीं पर ही बेंडी की स्केचेस बनाए जाते हैं. ये डिसगस्ट वाला बेंडी, ये एंग्री वाला, वो रहा सैड, वो रहा हैप्पी.
Cool, man. Do not let Joey see this. Cool. यहाँ पर ही कार्टूनी सारे रहते हैं और मेरा बेकन सूप, आई लव दिस सूप मैन. सो यहाँ पर सारे कार्टूनिस्ट, सारे तो नहीं, यहाँ पर दो ही चेयर है तो दो ही कार्टूनिस्ट बैठ के यहाँ पर ड्राइंग बनाते हैं. तो सही है. हे बेंडी, व्हाट्स अप मैन. सैमी लॉरेंस म्यूजिक डिपार्टमेंट डायरेक्टर. तो ये है म्यूजिक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर का रूम और यहाँ पर दिखा रहा है. Switch, all right. But that's one hell of a leak blocking the door though. If I could just stop that ink from flowing, maybe I can get in. So, यहाँ पर मैं कंटिन्यू करने जा रहा था, वो बीच में बोल दिया इसलिए मैंने बोला नहीं. It's time to believe. Absolutely. Bendy, take this. The dancing demon. और यहाँ पर भी एक है क्लॉसेट, लिटिल डेविल डार्लिन. और ये नहीं खुलता है. तो मुझे आगे, सॉरी, मुझे पहले इसका रिकॉर्ड सुन लेना चाहिए क्या बोल रहा है ये. वॉइस ऑफ वॉली फ्रैंक्स. So, इसने बताया कि इसका की कहीं गार्बेज या उसमें गिर गया है. सो मुझे लगता है कि वहीं पर जाना चाहिए गार्बेज के, वहां पर शायद वहीं पर ही गार्बेज कहां पर मुझे मिले. तो उसने ये एक तरह का मुहावरा जैसा होता है जो आपको बता देता है कि इसमें एक सीक्रेट मैसेज होता है. इस गार्बेज में तो नहीं है बड़ा. सो आगे वाले गार्बेज में हो जो मुझे मिल जाए. इस गार्बेज में यहाँ पर कोई गार्बेज है भाई? नहीं, यहाँ पर कोई गार्बेज नहीं. यहाँ पर एक बड़ा सा हारमोनियम टाइप पियानो है. हमें हर डस्टबिन में देखना है, कहीं ना कहीं हमें वो की मिल जाएगा. इस डस्टबिन में है क्या? तो हियर वी गो. गारम. तो हमें की मिल गया है और अब हम खोल सकते हैं उसका द्वार. सैमी लॉरेंस का द्वार. इट्स टाइम टू बिलीव. ओपन दिस डोर. ओ, इट्स नॉट ओपनिंग मेन. लगता है इसका चाबी नहीं है. चाबी नहीं है शायद इसका. ओ, क्लॉसेट. और ये खुल गया. यहाँ पर सूप है. बेकन सूप. आई लव दिस सूप मैन. यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग है, सुन लेना चाहिए. और ये पहले ये बेकन सूप लेने का, फिर सुनने का. लेट्स लिसन दिस फकिंग वॉइस रिकॉर्डर. किस जिसका भी वॉइस है. वो काफी पोएटिक बातें थी. यही तो होते कार्टून. ओ, आवाज आई मुझे कहीं. एक मॉन्स्टर, टेक दिस. एक मॉन्स्टर कहीं के इनकी आवाज आती है. ओ, ऐसे करके आते हैं लोग. इनकी एंट्री का आवाज ये. ओ, एक और ये ले. सर कलम कर दिया. तो ये है रिकॉर्डिंग रूम और यहाँ पर कुछ लिरिक्स लिख, सॉरी, यहाँ पर कुछ म्यूजिकल नोट्स है जो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कभी पियानो बजाया नहीं हूँ. और ये रहा स्टूडियो. कूल मैन. 1 2 3 4 5 6 छह माइक चेयर ज्यादा है. 6 माइक मतलब सारा इससे कैप्चर कर सके. हाँ, ये एक तरह का पुराना सब कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ रिकॉर्डिंग हो जाता है, उसके बाद एडिटिंग करके इसको सब मिक्सअप कर दिया जाता है ताकि एकदम जबरदस्त आए. आजकल तो एक रूम में ही हो जाता है सब कुछ. एक स्टूडियो रूम होता है, वहीं पर ही सब कुछ हो जाता है. पहले ऐसे होता था. कूल मैन. यहाँ पर सब बैठते थे, बजाते थे और मजा करते थे. यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं. बैंजो, ड्रम है यहाँ पर. यहाँ पर ये रहा बड़ा वायोलिन, ये रहा छोटा वायोलिन. और यहाँ पर कोई है क्या इंस्ट्रूमेंट्स? ओ, और ये रहा वो पियानो. यहाँ पर भी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है ना. किसकी रिकॉर्डिंग? पता नहीं यहाँ पर कौन वॉइस रिकॉर्ड करता है, पर जो भी है, कूल रूम है. आजकल का भी ऐसा ही रूम होता है, मॉडर्न जमाने वाला भी. वॉइस ऑफ सूजी कैंपबेल.
अलाइस तो मतलब सूजी कैम्बेल जिसका कैरेक्टर अलाइस था वो वहाँ पर रिकॉर्ड करती थी, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट रहता था, मतलब यहाँ पर एक ही माइक है पर दो स्क्रिप्ट क्यों मुझे नहीं पता, शायद वो दूसरे पेजेस के लिए हो सकता है। और ये फर्स्ट पेज, जैसे कि फर्स्ट सीन आया तो फर्स्ट सीन रिकॉर्ड हो रहा है, और सेकंड सीन आया तब लिया यहाँ से पेज। ओह कूल, मैं समझ गया मैं, तो नाइस। ओ तो मैंने रास्ता देखा था कि एक और रास्ता है वहाँ पर, उस लेफ्ट साइड में था, मैं ये राइट वाला पकड़ा हूँ, तो लेट्स से लेफ्ट में क्या हो सकता है। एक भी रास्ते को नहीं छोड़ने का भाई, हर जगह रास्ता हो सकता है रे भाई। यहाँ पर भी एक माइक है, यहाँ पर अब कुछ प्रोजेक्टर जैसा है, हाँ प्रोजेक्टर है, और यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग है, सो लेट्स लिसन दिस रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग वॉइस ऑफ नॉर्मल पॉक। सो ये रहा हमारा नॉर्मन पॉक का रिकॉर्डिंग जो काफ़ी झंड मार रहा था सैमी लॉरेंस का। तो नीचे एक बैंडी आ चुका है पता नहीं कैसे, और हम प्रोजेक्टर चला देते हैं, देखो शायद नीचे पिक्चर चल रही है। ए पिक्चर देख रहा है मुझे, पिक्चर देखने जा रहा है भाई, चल रही होगी दंगल, चल रही होगी दंगल दंगल, लेट्स सी। आईमैक्स की टिकट ली है मैंने और हम पहुँच गए दंगल देखने, जहाँ स्क्रीन में कुछ नहीं है, साथ ही साथ टेढ़ा स्क्रीन है, बेकार प्रोजेक्टर। ऊपर भी एक बैंडी है जो मुझे देख रहा है। ओ कूल मैन, ए बैंडी यू कैन सी मी जस्ट लाइक दैट, पर प्रोजेक्टर में कुछ देख नहीं रहा है, और यहाँ पर कुछ हो भी नहीं रहा है, कुछ सीन भी नहीं आ रहा, और बंद हो गया ये प्रोजेक्टर ही बंद हो गया है। चक्कर क्या है, मुझे शायद फिर ऑन कर रहा है, नहीं मुझे नहीं लगता। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, यहाँ पर इसलिए इतने सारे इंस्ट्रूमेंट क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग होता है, पर मैंने वहाँ पर सैमी लॉरेंस का भी एक रिकॉर्डिंग सुना था, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था जो मुझे फिर जाके सॉरी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड था जो मुझे फिर जाके सुन लेना चाहिए ताकि मैं सॉल्व कर सकूँ। इतनी बेकार बातें तो की इसने, पर इसने एक चीज़ बता दी कि उसमें बहुत इंस्ट्रूमेंट्स के नाम थे, बैंजो ड्रम पियानो पियानो शायद ना, मैं देख लेता एक और बार, हाँ ड्रम पियानो पियानो बैंजो, तो वहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट थे शायद, मैं अगर किसी तरह पैटर्न लगा के कर दूँ तो शायद वो हो जाए। सो लेट्स सी, मैं अगर सही हूँ तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होने का रहा भाई। तो क्या था पहले था ड्रम पियानो पियानो बैंजो, ड्रम पहले मुझे शायद प्रोजेक्टर ऑन कर लेना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्टर की बात भी लिखी थी, संग माई सॉन्ग एंड यू कैन ओपन द फकिंग डोर, तो मुझे पहले प्रोजेक्टर ऑन कर लेना चाहिए तो ताकि वो सारे पैटर्न एक्सेप्ट हो जाए। एक थोड़ा गॉड ऑफ वॉर जैसा मिस्ट्री था। वो नीचे दो बैंडी आ चुके हैं, सो प्रोजेक्टर ऑन हो चुका है, ड्रम पियानो बैंजो बैंजो, ड्रम पियानो बैंजो बैंजो, ड्रम पियानो बैंजो बैंजो, ये पैटर्न है। जल्दी यार, मुझे तो जाते जाते मेरा टाइम हो जाता है। ड्रम का है जल्दी पियानो बैंजो बैंजो, ये एंटर द सेंचुरी, और मैंने क्रैक कर लिया वो कोड, और यहाँ पर फ्लो का है तो सही है, हमें फ्लो कर देना है और हमारा काम हो जाएगा। सो लेट्स ओपन दिस, हो गया, अब हो चुका है फ्लो। रिटर्न टू सैमीज ऑफिस, ओए कौन था वो, बैंडी ऐसे नहीं झांकने का, बैंडी ऐसे झांकता है, ऐसी चैप्टर वन में भी, वो आवाज़ ऐसे क्यों आ रही है, वो एक मॉन्स्टर,
इंक इंक मॉन्स्टर, अरे इतने सारे इंक मॉन्स्टर आ चुके यहाँ पर। ओह नो, दूर जाने का, शिट, दूर दूर, इंक मॉन्स्टर मेरे पास भी नहीं आने का। ये लोग नजदीक आते हैं मेरा लॉस हो जाता है। एक मॉन्स्टर और ये एक और कोई है नहीं, अब सही है। जैसे ही मैंने फ्लो शुरू किया सारे इंक मॉन्स्टर के, जैसे कि मैं बता रहा था कि चैप्टर वन में भी ऐसे सीन थे जहां इंक मॉन्स्टर तो नहीं था पर साइड साइड में आपको झांकने वाले ज़रूर थे कि बेंडी अचानक झांकने लग जाता था। ओह मुझे सैमीज ऑफिस जाना था, सॉरी मैं कहां जा रहा हूं, सैमी ऑफिस जाने का भाई, सैमी लॉरेंस, हियर आई एम। खुल गया आखिरकार ये डोर, सो हियर वी गो। पंप, आवाज कहां से आई भाई? ओ पंप कंट्रोल, टर्न इट ऑन, टर्न इट ऑफ, टेक द स्टेयर्स एंड गेट आउट ऑफ दिस हेल। सब नजदीक पहुंच गए, अब हम निकल के मजे करेंगे, एग्जिट करेंगे। सो क्या हम एग्जिट कर पाएंगे, जाने के लिए देखते रहिए बीआरएस डाइवर्जन। वो व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है ये? वो ये कौन है? वो बिग बेंडी, हाइट बढ़ गई काफी बेंडी की। बेंडी इतना छोटा सा था, इसने किसी का बॉडी ले लिया। हे हाय बेंडी, यू आर लुकिंग ग्रेट। पैक्स आ गए हैं बेंडी के, इंक वाले पैक्स, साथ में बॉडी भी है और साथ में पैंट भी है। You came all the way down here to visit me. It almost makes what I'm about to do seem cruel. But the believers must honor their savior. I must have him notice me. Wait, you look familiar to me. That face. Because I am a cartoonist, bro. Not now, for our Lord is calling to us, my little sheep. The time of sacrifice is at hand. And then I will finally be freed from this prison, this inky, dark abyss I call a body. इंक बॉडी, अच्छी तो है, इतनी बुरी भी नहीं है बैंडी, मतलब यहाँ क्वाइट। ओके आई एम क्वाइट, आई कैन हियर हिम क्रॉलिंग अब। हाँ कोई तो आ रहा है, कोई स्पाइडर, कोई कुछ आ रहा है, कोई क्रॉल करके तो आ रहा है। मस्ट बी कंप्लीटेड सून, ही विल हियर मी, ही विल सेट अस फ्री। ही, यहाँ पर ही कौन है? हे बैंडी, फ्री मी बारी, और नो मुझे बांध के चला गया वो, और ही इज आउट। कार्टून लोगों ने बैंड बजा रखी है, क्रिएटर का वो भी। आगे मेरा दरवाजा खुल रहा है तो मैं भाग तो सकता नहीं हूँ मुझे, क्योंकि शायद मैं बंधा हुआ हूँ किसी तरह से। And what to do? Oh, तेरी हो क्या रहा है यहाँ पर? कुछ तो हो रहा है जो मुझे पता नहीं चल रहा है। आ, ओ, चिल्ला रही क्या आवाज़ है? Wow, 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 wow! Oh, escape, Bendy. Use axe to clear your path. Clear कर देना जो भी आएगा सामने, खेल खत्म कर देना। और ये रहा मेरा पहला। अरे, wow, wow, wow! Ink monsters! You fucking ink monsters! शिट कहाँ है ये लोग है, कहाँ है इंक मॉन्स्टर, कहाँ है इंक मॉन्स्टर, वेयर इज इंक मॉन्स्टर। इसको तोड़ देना, ये रहा पहला, ये सेकंड, ये तीसरा, और ये पहला वापस, ये गया दूसरा। रन 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 फॉर योर लाइफ। वाओ बैंडी, यू आर लुकिंग ग्रेट मैन, यू आर लुकिंग ग्रेट। रन अवे रन अवे रन अवे, वेयर टू गो, हियर वी गो, हियर वी गो। भागना इससे हमें, बड़ा इंक मॉन्स्टर आ चुका, बैंडी का एक बड़ा रूप, पता नहीं कौन है। और ये दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया, मुझे नहीं पता कैसे खुल गया ये, और मैं सेफ हूँ। Yeah, that's nice. काफी मुझे ऑटोमेटिक में सेफ भी हो गया, और यहाँ पर काफी शांति भी है। I know you're in here. Come out and show yourself. कोई आ रहा है? Wow! Hey, what's up, babe? तो डिज्नी कैरेक्टर है। Boris? Yeah, वो नाम भूल गया था मैं। और ये चैप्टर 2 खत्म हुआ, मजा आ गया चैप्टर 2 खेल के। क्रिएटेड बाय द मीटली एंटी माइक मूड, कूल मैन, जितना ही बनाया मस्त बनाया, मजा आ गया। चैप्टर 1 से ज्यादा बेहतर था चैप्टर 2, क्योंकि इसमें और जानने को मिला, और मैंने यूट्यूब में देखा कि सर चैप्टर 3 भी निकलने वाला है, सो मजा आने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।